वेलकम टू संसार ग्रीन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर और जनवरी के आने वाले महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां अभी उगा सकते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज गार्ड, जिसे नेनुआ, तुरई, रम तुरई या घिवरा जैसे नामों से जाना जाता है। इसकी वाइन होती है और इसे आप अभी लगा सकते हैं। इसको 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। हालांकि जब पौधा उग आए तो उसे थोड़े बड़े आकार के गमले में लगाना अच्छा रहता है। 12 से 15 इंच का गमला इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है। और अगर आप मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएंगे तो फलन भी खूब अच्छा होता है। हमेशा प्रयास करें कि उन्नत किस्म के बीज लगाएं, जिससे कि आपको फल खूब सारे मिलेंगे। नेनुआ के फूल और कलियाँ भी खाए जाते हैं। मेल फ्लावर जो होता है, उसको तोड़कर खाने में, साग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, कम जगह में लग जाता है और इसकी बेल फैलती है, जिसे फैलने के लिए आप बालकनी या दूसरी जगहों पर इसे फैला सकते हैं। अभी परफेक्ट टाइम है नेनुआ या तुरई के बीज लगाने का, आपको इन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। नेनुआ से काफ़ी मिलती जुलती एक और सब्जी होती है, जिसे रिसगार्ड, झींगी या झींगुली नाम से जाना जाता है। इसका स्वाद भी लोग बहुत पसंद करते हैं और सेहत के लिए तो यह बहुत अच्छा होता है। इसकी भी वाइन होती है और इसे आप अभी बीज से आसानी से उगा सकते हैं। इसको भी फैलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। 12 से 15 इंच का गमला इसको लगाने के लिए पर्याप्त होगा। अगर आप हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करेंगे तो फलन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। छोटे वाइन में बहुत ज़्यादा फल गुच्छों में आएंगे। आप 12 से 15 इंच के गमले में अगर लगा रहे हैं तो हर गमले में कम से कम इसके 3 से 4 बीज जरूर लगाएं। पॉट वेल्ड्रन होना चाहिए और गमले में अच्छी कंपोस्ट वाली खाद होनी चाहिए। ध्यान रखें कि इसके गमले में कभी भी पानी जमा नहीं होने पाए, फिर इतनी सब्जियां फलेंगी कि आप खा भी ना पाएंगे। आप अभी दिसंबर जनवरी के महीने में बैंगन के पौधे भी लगा सकते हैं। बीज से इनको आसानी से उगाया जा सकता है। आपको रेगुलर वाटरिंग करनी होगी और बैंगन की बहुत सारी वैरायटी होती है। बैंगन के पौधे छोटे होते हैं तो आप इसको 10 से 12 इंच के गमले में आसानी से उगा सकते हैं। प्रति गमला एक ही पौधा रखें और अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी क्वालिटी की खाद का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फलन खूब सारा होगा। यह जाड़े की बेहद खास सब्जी होती है, जिसे आम तौर से लोग पसंद करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कीड़े लग रहे हैं तो तुरंत ही कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे कि वह पौधे को पूरा ख़राब ना करने पाए। इसके अलावा आप इस सीज़न में अभी मिर्ची के पौधे भी उगा सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होगी। हालांकि अभी सूरजमुखी मिर्ची भी उगता है, शिमला मिर्च भी उगता है और मिर्च की दूसरी सभी वैरायटी आप अभी उगा सकते हैं। मिर्च का पौधा बीजों से ही उगाया जाता है। आपके पास जिस भी किस्म की मिर्ची के बीज हैं, उसे आप अभी लगा दीजिए और गमले को धूप में रखें। 8 से 10 इंच के गमले में प्रति गमला एक पौधा इसका आराम से चल जाएगा और आपको खाने के लिए भरपूर मिर्ची दे जाएगा। मिर्ची भी बहुत सारी किस्मों की होती है, अलग अलग रंगों की होती है और मिर्ची पे कीट का प्रभाव भी बहुत जल्दी होता है। तो आपके पास एक मिली बग या एक ऑल इंसेक्ट स्प्रेयर होना चाहिए, जिससे कि कीड़े लगते ही तुरंत इसका उपचार किया जा सके। और हाँ, मिर्ची के पौधे में हर दूसरे हफ्ते खाद देनी पड़ती है, तभी इसमें लगातार फल मिलते रहते हैं। मिर्ची का पौधा एक बार लगाएंगे तो साल दो साल तक भी आप उससे फल ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका पौधा हेल्दी हो, आप उसमें रेगुलर फर्टिलाइज करें और हफ्ते में एक बार कम से कम पानी जरूर दें। पौधे के लिए धूप भी जरूरी है। आप अभी भिंडी के बीजों की भी बुआई कर सकते हैं। भिंडी का पौधा उग जाए तो उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या चाहें तो 8 से 10 इंच के गमले में प्रति गमला 2 बीज लगाया करें। इससे अच्छी भिंडी के पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और अगर खाद पानी सही मिलेगा तो एक ही पौधे में 2 से 4 भिंडी आप रोजाना तोड़ पाएंगे, यानी कि 10 गमले अगर आपके पास हैं तो आपकी सब्जियों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। हाइब्रिड किस्म का पौधा अगर लगाएंगे, हाइब्रिड बीज लगाएंगे तो भिंडी की फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसे भी धूप चाहिए और इसके फूल देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। अगर आपकी बालकनी या यार्ड में धूप अच्छी आती है तो टमाटर भी आप अभी लगाइए। टमाटर के पौधे बीज से लगाए जाते हैं और इसकी भी कई सारी किस्में होती है। पंजाब छुहाड़ा जैसी किस्में बहुत ज़्यादा फल देती हैं।
टमाटर के पौधों को ज़्यादा धूप और पानी कम देना चाहिए। इसमें मिलीबग भी बहुत तेज़ी से लगता है, इसीलिए जब आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपके पास ऑल इंसेक्ट स्प्रेयर या फिर मिलीबग स्प्रेयर हमेशा मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा इन सर्दियों में आप गोभी भी लगा सकते हैं। फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, दोनों ही इस समय लगाई जाती है। हालांकि नर्सरी में इसकी छोटी पौध भी मिल जाती है, पर आप ऑनलाइन इसके बीज खरीद के बड़ी आसानी से इसे उगा सकते हैं। सरसों के दाने जैसे इसके बीज होते हैं। जब पौधा उग आए और तकरीबन 2 से 3 इंच का हो जाए तो 10 से 12 इंच के गमले में प्रति गमला एक ही पौधा लगाएं। और हाँ, गमले में हमेशा रिच कंपोस्ट वाली सॉइल का इस्तेमाल करें ताकि बड़े आकार के फूल आपको मिल पाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां उगाने के लिए भी ये परफेक्ट टाइम है। मेथी के दाने आपको ज़रूर उगाने चाहिए। मेथी दाना जो आपके घर में साबुत मेथी दाना हो, उससे आप मेथी साग उगा सकते हैं। आप किसी भी क्यारी में या दूसरे गमलों में जिसमें आपने पहले से पौधे लगा रखे हैं, उसकी गुड़ाई करके अगर उसमें मेथी के कुछ दाने डाल देंगे तो अगले 1 से 2 हफ्ते में मेथी के छोटे छोटे पौधे उगाएंगे। मेथी के पत्तों का सेवन हर लिहाज से आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर चाहे सर्दी खांसी से बचाव हो या फिर आपके घर में कोई डायबिटिक पर्सन हो, सभी के लिए यह रामबाण है। लीफी वेजिटेबल्स में आप केली भी उगा सकते हैं। केली दो तरह की आती है, एक ऑर्नामेंटल केली होता है और एक एडिबल केली होता है। दोनों ही आप उगा सकते हैं, देखने में दोनों ही खूबसूरत लगते हैं। इसे भी छोटे छोटे बीजों से 8 से 10 इंच के गमले में उगाया जा सकता है। प्रति गमला एक ही पौधा रखें। अगर आपके पास कुछ और गमले या थोड़ी जगह बाकी है तो आपको अभी पालक साग जरूर उगाना चाहिए। इसके अलावा घर में सरसों के दाने पड़े होंगे, उन्हें भी कई सारे गमलों में डाल दीजिए तो सरसों का पौधा उगाएगा, जिसे आप माइक्रोग्रीन के तौर पर भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके पत्तों की साग भी बनाकर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गाहे बगाहे एक दो पौधा गमले में छूट गया तो उसमें इतने खूबसूरत और खुशबूदार फूल आएंगे कि आपका दिल जीत लेंगे। जाड़े में मटर की बुआई भी की जाती है। आप मटर के बीज भी अभी लगा सकते हैं। इसकी भी वाइन होती है और गुच्छे में इसमें फलन होता है। बहुत सारी मटर की फलियां आएंगी और इसके फूल भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। जो आप घर की लगी वाइन से मटर तोड़कर खाएंगे, उसका स्वाद गजब का होता है। बहुत ही मीठा इसका स्वाद होता है। आई होप आपको वीडियो में बताई गई कुछ सब्जियां जरूर पसंद आएंगी, जिसके बीज आप खरीदेंगे और इसके पौधे उगाएंगे। कुछ पौधे उगाइए और संसार ग्रीन को थोड़ा आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।